क्राइम ब्रांच ने इको सेल द्वारा ठगाई गुना में लांबा समय थी वोटेड आरोपी की धरपकड़ कर आरोपी ओरिस्सा समाज नो मोभी बनी संस्था पण चलावतो हतो। सूरत में ओरिस्सा समाज नो प्रमुख अने महिला उत्थान ना नामे एक सामाजिक संस्था चलावता प्रदीप कुमार काशीनाथ साहू नी धरपकड़ करी छे। सूरत शहर ना एलपी समाणी रोड सूत्राली बंगलोस खाते रहता प्रदीप कुमार केएनपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना नामे 15 करोड़ नी बैंक ऑफ बरोडा माथी लोन मेळवी हती। 15 करोड़ पैकी 5 करोड़ नी लोन छूटी करवा प्रदीप कुमारे पोताना भागीदार साथे एमओयू पण कर्यो हतो, जेमा भागीदार ने केएनपी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर बनावा साथे नफा में 20% हिस्सो आपवानी बाहेदरी आपी हती। आरोपी प्रदीप कुमारे लोभामणी स्कीमो आप्या बाद भागीदार नी नवसारी खाते आवेली प्रॉपर्टी बैंक में गिरवे मुकावी 5 करोड़ रूपया लई लीधा हता। 5 करोड़ नी रकम मेळवी लीधा बाद प्रदीप कुमारे पोतानो असली रंग भागीदार ने बतावी लोन नो एके हफ्तो नहीं भरी रीतसरनी ठगाई करी हती। बैंक में हफ्तो जमा नहीं थता बैंक द्वारा गिरवे मुकवामां आवेली प्रॉपर्टी नी हराजी करवामां आवता भागीदारे प्रदीप कुमार विरुद्ध पोलिस में फरियाद नोंधावी हती। आ केस में क्राइम ब्रांच नी इको सेले बातमी ना आधारे प्रदीप कुमार ने झड़पी पाड़ी वधु तपास हाथ धरी छे। गत 14 ઓક્ટોબર 2022 ના રોજ બીસીબી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ હતી, જેમાં ફરિયાદી હેતલકુમાર ઉર્ફે અમિત ગમનલાલ પાનવાલા સાથે આરોપી પ્રદીપ કુમાર કાશીનાથ શાહુ નાઓએ ઈપીકો કલમ 420 એટલે કે છેતરપિંડી કરેલ હોય તેવી હકીકત સામે આવેલ હોય, જેમાં પ્રદીપ કુમાર શાહુ કેએનપી કન્સ્ટ્રક્શન નામની એક કંપની ચલાવતા હતા। ये कंपनी सूरत खाते थी स्पेर पार्ट रिपेरिंग काम करती थी, तेना धंधाकीय लाभ माटे तेओए कामार्थे 15 करोड़ नी बैंक ऑफ बरोडा माथी लोन माटे एप्लाय करेल हती। तेमा तेओए अमुक मिलकतो गिरवे मुकेल हती, पण ए मिलकतो गिरवे मुकेल हती तेनी सामे 10 करोड़ रिलीज थवा पामेल हता। तेनी सामे तेओए आ फरियादी नावनो कॉन्टेक्ट करेल अने તેને 5 કરોડની વધારે અમાઉન્ટની લોન રિલીઝ કરવા માટે તેઓના નામના જે નવસારી ખાતેના 4 પ્રોપર્ટી હતી તેઓને લોભામણી રીતના લાલચ આપી કે તેઓ જો આ 4 પ્રોપર્ટીઝને જો મોર્ટગેજ કરશે તો તેઓને તે આ કંપનીમાં એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર બનાવશે, 20% નફો આપશે, દર મહિને 2.5 લાખ રૂપિયા આપશે વગેરે વગેરે લલચામણી ઓફર આપી એ પ્રોપર્ટીઝને મોર્ટગેજ કરાવી ત્યારબાદ આ જે લોન છે જે રિલીઝ થઈ હોય તેઓના પોતાના અંગત વપરાશમાં લઈ લીધેલ હોય તેઓની આજ રોજ અટક કરવામાં આવેલ છે અને વધુ રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ ચાલુ છે।